फर्रुखनगर के मिनी बाईपास पर ब्राह्मण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से दौलीदारों की जमीन वापस लेने के सरकार के फैसले को काला कानून करार दिया गया। अधिकांश वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ब्राह्मणों को दान में दी गई जमीन का मालिकाना हक वापस लेकर उन्हें प्रताड़ित व परेशान करने का षड्यंत्र रच रही है। सरकार को इस काले कानून को वापस लेना होगा। इसके लिए ब्राह्मण समाज एकजुटता दिखाएगा और एकजुट होकर सरकार को मजबूर करेंगे कि वे इस कानून को वापस लें। वक्ताओं ने कहा कि फरमान के चलते ब्राह्मण समाज और हरियाणा की जनता कभी भी सरकार को माफ़ नहीं करेगी। प्रदेश सरकार को अपने इस अहंकारी निर्णय का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। राजवीर शर्मा ने कहा कि इस काले कानून को लागू करने में वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम इस सरकार के फैसले का डटकर विरोध करेंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाकर ब्राह्मण समुदाय के लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ब्राह्मण समुदाय के प्रति दुर्भावना के चलते उनको उन्हीं की ज़मीनों से बेदखल करना चाहती है और उन्हें के हक छीनने पर उतारू है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकार ने ब्राह्मणों के खिलाफ काला कानून बनाया है। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 15 मार्च रविवार को वजीरपुर में एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएंगे और आगामी रणनीति के बारे में निर्णय करेंगे। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया है, जो प्रदेश के ब्राह्मणों से संपर्क साधकर 15 मार्च को वजीरपुर में होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा और सरकार द्वारा दौलीदार जमीन के फैसलों को लेकर समाज को जागरूक करने का काम करेगा। और 15 मार्च को वजीरपुर मोड़ सेक्टर 95 में पूरी पंडित बिरादरी इलाके की गुड़गांव जिले की इकट्ठा होकर और अपनी मांग करेगी सरकार के सरकार से यानी इसका कड़ा विरोध कराया जाएगा और संसद का घेराव कराया जाएगा। मतलब आप कर दो, गांव पातड़ी है, ये हमारा कार्यालय है। आज हमने ये मुद्दा रखा था कि हमारी ब्राह्मणों की दौड़ी का सरकार ने एक अमेंडमेंट जारी किया, काला कानून बना दिया कि जो पंचायत की, नगर निगम की और नगर पालिका की जमीन है, उस जमीन पे ब्राह्मणों को मालिकाना हक नहीं देंगे। ये सरकार ने काला कानून बना के पारित करके, विधायक बिल पारित करके राष्ट्रपति जी की मंजूरी के लिए भेज दिया है। हम सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर हम 15 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, 15 मार्च को वजीरपुर मोड़ के ऊपर नीमराणा पैलेस में, जिसमें पूरा जिले के ब्राह्मण इकट्ठे होंगे और सरकार को ये मजबूर कर देंगे कि हमारा जो हक था वो हमें वापस दिया जाए। अगर यदि ये काला कानून सरकार ने नहीं हटाया तो हम आखिरी हद तक अपने हितों की रक्षा करेंगे और सरकार का पहले तो करेंगे हम निवेदन सरकार से कि इस काले कानून को हटाया जाए। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम सरकार का खुल्लम खुल्ला विरोध करेंगे और ब्राह्मणों का विरोध सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। सारे के सारे ब्राह्मण संगठित होकर अपना 15 तारीख को एक बहुत भारी संख्या में इकट्ठा होकर अपना एकत्रित का इकट्ठा संगठन का परिचय भी देंगे, जिसमें जितने भी बुजुर्ग हमारे साथ आए हुए हैं, हमें आशीर्वाद दिया है, हम इनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। गरीब में कह के दे और आज वो हमारे छीन गए। ये हमारा हक हमें मिला, अच्छे से नहीं मिला तो हम पूरा संघर्ष करेंगे, पूरी तन मन धन से जोर लगाएंगे अपनी तरफ से। ये तो मेरा संघर्ष समिति के प्रधान पंडित तोताराम जी इस विषय पे जो भी बात उठाएंगे हम तन धन मन धन से इनके साथ रहेंगे और सर और अफसरों से हर तरह से लड़ेंगे। आगे क्या रणनीति है? 15 मार्च और हम पूरी जिला गुड़गांव की तरफ से सब वजीरपुर मोड़ समय 11 बजे और सभी नीमराणा पैलेस दोहरी संघर्ष समिति की पहली बैठक हुई है।
इसमें निर्णय लिया गया है कि 15 मार्च 2020 को वजीरपुर चौक पर एक बड़ा भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्राह्मण संघर्ष समिति जो है अपनी एकता का प्रदर्शन करेगी और सरकार के सामने इस धोड़ी वाले नियम को, अन्य ब्राह्मण हितों के जो मुद्दे हैं उनको उठाएगी और पूरे तन मन धन से सारा समाज एकत्रित होके अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा और हर हालत में अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे।